मोहन मुझे थोड़ी सी दे दो ना। नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? पापा होता तो मैं जरूर देती। क्यों मुझे नहीं दोगे तुम? नहीं दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं दूंगा। मोहन ऐसे ही करते हैं फ्रेंड। हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मून भी अच्छी है। तो सुबह सुबह बस मैं नहा के आ चुकी हूँ, और एक बात तो बस मैं आप लोगों को बोलना ही भूल गई। आज है फ्राइडे, तो बस मैंने नहा के आ चुकी हूँ, क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, और हेयर जो है मैंने कल वॉश किया था, आज नहीं किया। तो बस मैंने थोड़ा सा जेल लगा के इसको कॉम्बिंग कर लिया। तो अभी बस मैं सिंदूर लगाऊंगी। सिंदूर लगाने के बाद मेरा जो काम है बस वही आपके साथ शेयर करूंगी, और आप लोग इंजॉय करिए। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ससुराल का होम टूर। तो देखिए फ्रेंड, इधर मैं आ गई हूँ। कपड़ा जितना मैंने धोई थी उसको सुखाने के लिए, बस इधर ही मैं सुखाने के लिए देती हूँ। मेरे पास और कोई जगह नहीं है सुखाने के लिए। आपको पैर दिख रहे हैं किसी का? तो सामने वाले बिल्डिंग का किसी का होगा शायद। तो देखिए, अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में। किचन में बस मैं अभी बनाऊंगी मून के लिए खिचड़ी। हाँ फ्रेंड, मैं मून के लिए खिचड़ी प्रेफर करती हूँ, और मुझे खिचड़ी से अच्छा अभी तक कुछ नहीं लगा है। 1.5-2 साल की बच्ची के लिए खिचड़ी मतलब अच्छी लगती है, दोपहर के खाना मतलब लंच के लिए। तो बस मैं यही बना लूँगी। वेजिटेबल्स मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है, जो था बस मैं वही डाल दिया। मैं मसूर दाल से खिचड़ी बनाती हूँ, बस मैंने डाल दिया, 3 सीटी लगाऊँगी फिर हो गई। तो अभी जो है मोन बैठ के टीवी देख रही थी, बस मैंने थोड़ा सा कटोरी में मुड़मुड़ा देके उसको दे के आती हूँ। इससे क्या होता है, उसकी आदत अच्छी हो जाती है, मतलब हाथ से खाने की आदत हो जाती है, क्योंकि मोन का ये आदत एकदम नहीं है। तो देखिए वो कितना खुश हो गई है, पर जितना वो खुश हुई है बस उतना खुशी से वो नहीं खाएगी। वो एक भी मुड़मुड़ा मुँह में नहीं डालेगी, वो बस इन सभी को फेंकेगी। और अगर मैं थोड़ा बहुत उससे पूछूंगी कि मुझे दे दो, पर नहीं देगी। अगर उसके पापा आके बोलेगा कि मुन मुझे थोड़ी सी दे दो, तो वो पूरा कटोरी मतलब उसको दे देगा। ऐसा मुझे कुछ नहीं देते, सब कुछ उसके पापा को देते हैं। ये सब लड़की का धर्म होती है। तो इधर जो है मैंने आ गई हूँ आरओ से, मतलब हंडी में पानी भरने के लिए। तो पानी जो है मैंने भर लूँगी। तो देखिए पानी जो है वो भर रही है, क्योंकि आरओ का पानी मुझे भर के रखना पड़ती है, पानी हमेशा नहीं आती है। सो फ्रेंड देखिए, अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। बस ब्रेकफास्ट में हम लोग सिर्फ ये चाय और मुड़मुड़ा ही लेंगे। हाँ फ्रेंड, हम लोग ज़्यादा थोड़ी बहुत मुड़मुड़ा खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद रहती है, मतलब एकदम सिंपल खाना जो है ये, इसके लिए बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। तो फ्रेंड आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, जितना सारा बर्तन था उसको धुलने। तो देखिए मून के लिए बस ये सब बर्तन जो दिख रहे हो ना, सब मून का खाना बनाने के टाइम झूठे होते हैं। तो बस इसको लगे हाथ मैंने धो लूँगी सब कुछ को, क्योंकि पानी जो है वो चले जाती है 12 बजे के बाद। कभी कभी रह जाती है, कभी कभी चले जाती है, ज़्यादा देर तक चले ही जाती है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। धोने के बाद बस इसके बाद मुझे मून का रूटीन जो है उसको फॉलो करनी है, मतलब कि उसको नहलानी है, उसको खिलानी है, फिर उसको सुलानी है। तो बस बर्तन जो है मेरा धुल चुकी है, बस मैं अभी किचन से निकाल जाऊंगी। और इधर देखिए मून के लिए मुझे जितना सामान लगेगी बस मैं सभी को निकाल लिया। आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए थोड़ी बहुत एडिटिंग किया मैंने इधर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई है। तो बस यही लगेगी मून को, डायपर क्रीम वगैरह बस मैंने निकाल के रख दिया। और देखिए मून जो है सो गई है, मून सो गई है। तो बस ब्रेकफास्ट में मैंने हल्का सा ही लिया था, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत भूख लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट में, उधर से थोड़ी बहुत कुछ लेके आए थे। बस वो माफिंग जो रहते हैं ना बेकरी में मिलते हैं, वही लेके आए थे। बस मैं वही खा रही हूँ, और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ और क्या क्या लेके आई हो वो मार्केट से। तो बस मैंने सब कुछ को स्टैंडर्डाइज करके इधर रख दिया। बस वो जो पॉडवल वगैरह देख रहे हो ना, उस सभी को मैंने स्टैंडर्डाइज करके रख दिया। और ये प्लास्टिक पहले का प्लास्टिक है, तो बस मैंने भर के रख दिया, इसको फ्रिज में मतलब घुसा दूंगी। जो भी हो अभी लंच के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगी लंच बनाने में। इधर मैंने पॉपी सीड ले लिया, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी परवल की, मतलब परवल और पॉपी सीड देके एक सब्जी, जो कि बंगाली का एक ट्रेडिशनल होते हैं पोटल पोस्तो। तो इधर देखिए मैंने ग्रीन चिली ले लिया, और जो पॉपी सीड रहते हैं उसको बस मैंने पेस्ट कर लिया। ये जो परवल होती है ना, इसको मैंने नमक पानी में भिगो के रखी थी, बस मैंने पानी से धो के इसको नमक पानी में भिगो के रख देती हूँ। तो देखिए जो परवल है उसको मैंने छील चुकी हूँ, दोनों साइड से मैं कट कर लिया, इसे मसाला उसके अंदर जाएगी। तो बस फ्रेंड मैंने ये जो मतलब कटोरी रहते हैं इसमें ही बना लूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगती। इधर मैंने चावल बिठा दिया हूँ, बस सरसों का तेल डाल दिया,
तो उसमें डाल दिया मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने परवल डाल दूँगी, और मैंने ढक्कन लेकर आई हूँ क्योंकि परवल तेल में डालने के बाद बहुत ज़्यादा छिटती है। बस इसके लिए बस मेरे रक्षा कवच बोल सकती हूँ ये जो ढक्कन है, फिश वगैरह फ्राई करते टाइम बहुत ज़्यादा काम आती है मुझे। तो देखिए ये परवल जो है वो फ्राई हो चुकी थी फ्रेंड, तो बस मैंने डाल दिया पुस्त। इसमें और कुछ भी मसाला मैं नहीं डालूंगी, एकदम सिंपल तरीके से बस नमक हल्दी जो लगती है। हल्दी मैं इसमें थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा वाइट अच्छी लगती है, पर हम लोग जो है वाइट वाला खाना नहीं खाते हैं। मेरे सास मुझे मना करती है वाइट वाला खाना खाने में, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ही हल्दी डालती हूँ। तो वाइट वाला खाना हम लोग क्यों नहीं खाते पता है? जो लोग मतलब ये स्त्री होते हैं जिसका हस्बैंड रहते हैं, उन लोगों के लिए वाइट खाना अच्छी नहीं होती है। तो बस इसके लिए मैं थोड़ा बहुत हल्दी डाल देती हूँ। तो बस मैंने पानी डाल दिया, ढक दूँगी। परवल देखिए परवल एकदम बॉयल हो चुकी है, और इसमें मैंने ग्रीन चिल्ली डाल दिया, अंदर से मैंने थोड़ा सा फाड़ दिया इसको, और मैंने डाल दिया मस्टर्ड ऑयल क्योंकि पोस्त जो होती है ना उसमें मस्टर्ड ऑयल चाहिए ही चाहिए होती है। तो देखिए कंप्लीट हो चुकी है मेरा लंच, और कल रात को मैंने सोयाबीन का करी बनाई थी, वो भी फ्रिज में है, उसको भी खाना है। बस मैंने यही आज हमारा लंच है। तो ये देखिए सोयाबीन का करी और पोटल पोस्त। आई होप आपको अच्छी लगी रेसिपी। तो देखिए मून देखा है, अभी मैंने कैमरा ऑन किया तो तुरंत तो आ गई कैमरे को फेंकने के लिए, बस मैंने उसको पकड़ लिया, फिर वो आ गई फेंकने के लिए, बस फिर मैंने पकड़ लिया उसको। ऐसे ही करते हैं वो, मतलब थोड़े बहुत उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ये करने में। पकड़ो पकड़ो, देखो आ रही है आपके सामने। तो फ्रेंड देखिए बस मैं आ गई हूँ। मून देखिए साइड में दिख रही है ना आपको कोई चीज़ एक, वो देखिए दिख रही है ना आपको, ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हुई वो कौन है पता है? मून है, क्योंकि मैं जब भी कोई काम करती हूँ आ जाती है मेरे साइड में। तो इधर जो है कि मैंने फ्रिज में कुछ भी नहीं है मेरा, अंडे का पूरा पहाड़ लगी हुई है क्योंकि इधर मिलते हैं सिर्फ अंडे ही, तो बस मैंने अंडे ही रख दिया। और उधर थोड़ा बहुत ड्राई मसाला जो रहते हैं वो रख दिया, और सब्जी का मतलब बस मैंने पास एक फूल गोभी है और गाजर, यही है बस। मैंने यही ऐसे ही मतलब वीक में फ्रिज को क्लीन करती हूँ फ्रेंड। इधर मसाला है, अंडा है, बस पूरा फ्रिज जो है मेरा खाली खाली सा दिख रही है आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड इसके बाद मेरा ससुराल का होम टूर आप लोग एंजॉय कीजिए, आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है मेरा सास और ये है हमारा एंट्री गेट, मतलब जिधर से हम लोगों को घर में एंट्री करना पड़ती है। और पूरा घर हमारा फ्लावर से भरा हुआ है। अभी जो है विंटर का टाइम था, तो विंटर के टाइम में जो फ्लावर होती है वो है गेंदा। तो ये जो गेंदा फ्लावर है ना ये बस विंटर में ही होती है, और पूरा घर पूरा भरा हुआ है। बस मैंने आपको इतना ही दिखा पाई थी। तो देखिए कितने अच्छे से दोनों साइड से है, बस मैंने एक ही साइड आप लोगों को दिखाई हो। तो चलिए फ्रेंड अभी चलते हैं मेरे बेडरूम पे। मैंने पूरा होम टूर आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, जब मैं कोलकाता जाऊँगी पूरा मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जितना मेरा रूम है सब शेयर करूँगी। ये हमारा सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है, मतलब कि वुडन का है, एकदम गाँव वाला जो वुडन एकदम कॉस्टली वाला। तो इधर देखिए मून तभी कितना छोटी थी, तभी मून शायद 2 या 3 महीने की थी, तो देखिए वो बस सोया हुआ था। और कभी मैं उसको कभी भी मॉस्किटो मतलब ये जो नेट होता है ना उसको छोड़ के मैं कभी उसको सुलाती नहीं थी। मैं हमेशा ऐसे ही, जब वो छोटी थी तब मैं डायपर भी नहीं पहनाती थी। मेरे सास मुझे डांटते थे, बोलते कि कमर जो है वो पतला हो जाएगी। तो इधर देखिए सब उसका जितना सारा कपड़ा लगती थी सब है उधर। और वो जो आपको डब्बा दिख रही है ना पता है बस किसके लिए है? वो बस मून जब मेरे पेट में थे ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो उस डब्बा में मैं कुछ खाना रख देती थी रात को खाने के लिए। और देखिए मैंने फिर आपको मून को दिखा रही है, मून कैसे मुझे देख रही है, यही मून देखिए अभी कितना बड़ी हो चुकी है फ्रेंड। तो बस मैं मून को ऐसे ही सुलाती थी। तो इधर जो है इस साइड पे ये जो टेडी बियर है, जब मून मेरे पेट में थी मतलब कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैंने खरीदी थी इन सभी टेडी बियर वगैरह को। तो देखिए इधर जो है साड़ी जो है ये मेरा नहीं है, ये मेरे जा बोलते हैं ना मतलब कि मेरे बड़ी वाली जो ये है देवरानी है उसकी है, बस मैं इधर नहीं रखती हूँ। मेरे पास अलमीरा है, बस मैं उसमें रखती हूँ, तो ये खाली रहती है, तो मैंने बोला आप रख दो इसमें। तो इधर देखिए मून का जितने, बस यही था मेरा ससुराल का छोटा सा बेडरूम टूर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई है फ्रेंड। सो इसके बाद मैं जब कोलकाता जाऊँगी आपके साथ एकदम डिटेल्स में शेयर करूँगी। हे फ्रेंड कैसा लगा मेरा ससुराल का होम टूर आप लोगों को? सो ये जो वीडियो मैंने शूट किया था ना तब मून बहुत छोटी थी, मतलब आज से 1.5 साल पहले की मतलब बातें कर रही हूँ मैं। तो तब मैं जाके एकदम ससुराल में जो है सेटल हो गई थी मून को लेके, तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो तभी मुझे ऐसा लगा था कि बस मैं घर को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा एक वीडियो क्लिप उठा के रखती हूँ, अगर कभी मैं यूट्यूब में आती हूँ तो मुझे काम पर लगेगी।
तो बस ऐसे ही मैंने उठा के एकदम छोटा सा बस मैंने ऐसे क्लिप उठा के रखी हूँ। बस अभी मैं आपके साथ मेरा जो है बेडरूम टूर करवा रही, पूरा ससुराल का जो है मैंने जब कोलकाता जाऊँगी ना इसी मंथ में नहीं सॉरी अभी तो लॉकडाउन के टाइम चल रहा है तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगी तब मुझे कोलकाता जाना पड़ेगी। मतलब मून को लेके मैं मतलब एक महीने तक उधर रहने वाली हूँ तो तब मैं एकदम पूरा मतलब मेरा पूरा ससुराल का गार्डन और ससुराल का पूरा घर सबका टूर आपके साथ करवाऊंगी और आप देखना और चौंक जाओगे कि गांव में भी ऐसे घर होती है क्या। मतलब कि इतना बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है मेरा ससुराल का और उधर गार्डन वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, फ्लावर मतलब एकदम घर के अंदर एकदम आपको ना एकदम फील ही नहीं होगा जैसे कि मेरा ससुराल है। इसलिए नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब इतना अच्छी है ना फ्रेंड, आप लोग जब देखोगे ना लाइव तब आप लोगों को पता चलेगी कि कितना अच्छी है। मतलब बहुत ही क्लीन करके रखती है मेरे सास, तो इतना ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगी, जब दिखाऊँगी तब आप लोग देखना। तो फ्रेंड आज का वीडियो जो है बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड लव यू ऑल फ्रेंड। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड, मून जो है बाहर खेल रही है, अगर ज़्यादातर मुझे देख लेगी तो अभी आके ट्राईपॉड को एकदम तोड़ फोड़ देगी। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादातर बातें नहीं करूँगी, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड।